सामने लेकर आए थे कि वनडे इंटरनेशनल में एसोसिएट टीम्स की अगर सिचुएशन की बात करें तो 8 टीम्स हैं एसोसिएट्स की जिनके पास ओडीआई स्टेटस फिलहाल है टी20 के साथ साथ, उनमें से 5 ऐसी टीमें हैं जो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही हैं और आने वाले 1 ईयर के साइकिल में जिनसे काफी उम्मीदें होने वाली है। वो 5 टीमें कौन कौन सी थी वो भी हमने आपको बताया और उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने आपको बताई है वो वीडियो में हमने दी थी। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो आप जाके देख सकते हैं, इससे पिछला वीडियो हमारा वही अपलोडेड है या फिर ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। इस वीडियो को जाके जरूर से जरूर देखिए, पहले जान लीजिए कि ओडीआई में कौन वो टीम्स हैं और क्या उनसे उम्मीदें हैं आने वाले टाइमों में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टी20 क्रिकेट की। जी हाँ, टी20 इंटरनेशनल में यानी टी20 में अगर हम बात करें जो 8 ये एसोसिएट टीम्स हैं खास करके जिनके पास ओडीआई स्टेटस भी है, इन टीमों में कौन सी 5 टीमों को आज हम पिक कर रहे हैं जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है और लग रहा है कि नहीं आने वाले टाइमों में टी20 क्रिकेट में इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं या फिर काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। कौन सी वो 5 टीम आप पिक करेंगे और कौन सी टीम को आउट करेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सही। और सबसे पहले ये है कि एक नामीबियन टीम है, उसके बाद स्कॉटलैंड की टीम है, दूसरा नाम यहाँ पे है, रैंडमली है अभी, उसके बाद देखेंगे। आगे आपको हम बताएंगे कि रैंकिंग वाइज हमारे हिसाब से हमें क्या लगता है कि ये टीम्स कहाँ पर है इस वक्त, सिचुएशन इनकी क्या है। जरूर। और नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान, नेपाल ऑब्वियसली, इसी के साथ नीदरलैंड, लेकिन यहाँ पे एक इंक्लूजन और यहाँ पे करना होगा हमें, यहाँ यूएसए को भी यहाँ पे हमें थोड़ा लाइन लाइट में लाना होगा और देखना होगा कि आखिर यूएसए भी क्या कर रहा है। तो यूएसए का जो अभी इसलिए हम इनको इंक्लूजन कर रहे हैं यूएसए का, तो एक टीम यूएसए भी है जो बाहर होती है, वो यूएई और पीएनजी बाहर होती है, पर ये टीमों के बारे में अभी इसमें चर्चा करनी है। बिल्कुल, यूएई और पीएनजी इस रेस से पूरी तरह से आउट है। अगले आने वाले साइकिलों में भी इनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, जैसे कि पीछे आने वाले टाइमों पे उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीएनजी से पीछे आने वाले टाइम साइकिल में काफी उम्मीदें थी। लेकिन भले ही आप ये कह सकते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप खेला, क्वालिफाई किया, लेकिन वो सारी चीजें बाद की बात होती है। वर्ल्ड कप में गए, राउंड 1 में भी आपको एक जीत नसीब नहीं हुई, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस पीएनजी का रहा है। तो अगले एक साल में कम से कम डेली क्रिकेट को ये बिल्कुल नहीं लगता कि पीएनजी का टी20 क्रिकेट में खास करके कुछ भी बदलने वाला है। हमने ये अगले एक साल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा आने वाले फ्यूचर में क्या पता 4-5 सालों में वो अपने आप को बेहतर करे। यूएई, उनको बहुत साल मिल चुके हैं, नए कितने टी10 सब कुछ वो खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते वर्ल्ड कप के लिए, इससे निराशाजनक क्या होगा। हम यहाँ बात कर लेते हैं इन 6 टीम्स की। 5वें नंबर पर नीदरलैंड्स और यूएसए दोनों को हम रख रहे हैं एक साथ रैंकिंग में। आपको अब हम बता रहे हैं कि रैंकिंग के हिसाब से ये टीम्स किस तरह से आने वाले टाइम में परफॉर्म करती नजर आएंगी। हमारे हिसाब से हमें जिनसे सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन है उन्हें हमने 5वें पे रखा है, और जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और सबसे बेहतरीन करती हुई आ रही है उसे हम नंबर 1 पे रखेंगे। वो टीम कौन सी होगी आगे आपको जरूर बताएंगे। 5वें नंबर पे है नीदरलैंड्स और यूएसए दोनों, क्यों? बिल्कुल, पहले इनका हालिया रिकॉर्ड जान ले। बिल्कुल, देखिए अभी जो रैंकिंग्स अगर देखेंगे आईसीसी की जो रैंकिंग है अगर उस पर भी आप बेस करेंगे तो नीदरलैंड 18th पे है, 18वें नंबर पे है, और यूएसए की जो टीम है वो 30वें पे है, यानी कि 30 रैंक, 12 का डिफरेंस काफी लंबा है। लेकिन साथ ही साथ नीदरलैंड बहुत पुरानी टीम है, 83 मैचेस खेल चुकी है, 41 जीती है, 37 हारी है, और साथ साथ यूएसए ने अभी हाल में ही 2019 से ही सबको मिला है, तो इसके बाद 14 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्हें 7 में जीत मिली, 5 में उन्हें हार मिली है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस को भी देखना होगा कि परफॉर्मेंस भी कैसा दोनों टीमों का रहा है। जिस तरीके से नीदरलैंड की टीम ने जिस तरीके से काफी डाउनफॉल नीदरलैंड क्रिकेट का देखने को मिल रहा है प्लेयर्स में, साथ साथ बोर्ड में भी, और इसके साथ खासकर हम यहाँ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, हम टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा गिर रहा है दिन ब दिन। नीदरलैंड को ये कम से कम होना चाहिए था कि नामीबिया ने जो राउंड क्लियर किया है वो नीदरलैंड से उम्मीद थी कि शायद नीदरलैंड करे वो राउंड क्लियर। पुराने टीमें हैं, आपके पास पुराने पुराने प्लेयर हैं, आपने वो किया नहीं, आपके नए प्लेयर आ रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश करना और अच्छे करने में बहुत बड़ा एक गैप होता है। जी ना, और कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स की टीम में टी20 क्रिकेट की अगर हम बात करें वो एग्रेसिवनेस, वो जो एक इंटेंट नजर होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आता, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, और इस तरह के कोई डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नीदरलैंड्स की टीम में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा एक नाम जो भी हमें लगता हो कोई डिस्ट्रक्टिव है, उस तरह का डिस्ट्रक्टिव, उस लेवल का डिस्ट्रक्टिव हमें नजर नहीं आता है नीदरलैंड्स की टीम में, और यही सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अभी। और आप ये मत सोचिए कि अगले एक साल के साइकिल में ठीक होगा, उन्हें वक्त
लग सकता है। अभी खुद के इश्यूज चल रहे हैं, उसमें ठीक करना होगा, प्लेयर्स के अंदर एक अलग से पंपअप लाना होगा जो कोच बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये एक साल में नहीं होने वाला, क्योंकि जो वीडियो है ये बता रहे हैं कि आपको अगले एक साल के साइकिल में कौन बेहतर करती हुई नजर आएगी। नेदरलैंड्स बिल्कुल नहीं। यूएसए के बारे में क्या कहेंगे आप? रैंकिंग 12 पीछे है नेदरलैंड से, लेकिन ऐसा क्या देखा हमने कि ये छठे नंबर पांचवें नंबर पर है? बिल्कुल, देखिए अभी यूएसए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, अभी अमेरिकाज क्वालिफायर में भी उन्होंने मैचेस जीते हैं, 6 के 6 मैचेस जीते हैं। चलिए अमेरिका क्वालिफायर आप ये कह सकते हैं कि वहां की टीमें कनाडा को छोड़ के कोई इतनी टीम थी नहीं बेहतर कि आप उनसे कॉम्पिटिटिव हो पाए यूएसए। चलिए लेकिन अब यूएसए के क्रिकेट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, T20 फॉर्मेट कहा, लीग भी शुरू हो रहे हैं यूएसए, और सबसे बड़ी बात है कि यूएसए एक टेस्ट नेशन आयरलैंड के खिलाफ एक सीरीज खेलने वाला है। मैच का रिजल्ट जो उन्हें सीखने को मिलेगा और जो उन्हें एक्सपीरियंस इससे गेन होगा वो आपको अगले एक साल में बहुत ज्यादा नजर आने वाला है, और यूएसए डेफिनेटली आपको अगले एक साल में का ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ खेलता हुआ ज्यादा आपको नजर आएगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। एंड क्या कहेंगे इस पे आप? क्या हम देख सकते हैं कि इनको अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड इन लोगों के खिलाफ ज्यादा मैचेस खेलते हुए T20 में बात कर सकते हैं आप? सबसे पहले T20 से ही शुरुआत होती है किसी टीम के साथ, बड़ी टीमों के साथ एक सीरीज रखवाने की, तो ये बहुत चांस है कि यूएसए अब बिग टारगेट रखेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल क्वालिफायर्स खेलने हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आईसीसी की नजरों में आए, क्योंकि अब आईसीसी की भी नजर उन पे है। बिल्कुल, ओलंपिक को लेके भी थोड़ा आईसीसी का वहाँ रुख है, यूएसए को एक डिजिटल और क्या कहते हैं आप उनको, एक क्रिकेट का मार्केट के तौर पे भी यूएसए देख रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है यूएसए, फाइनेंशियली तो बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर यूएसए अगर स्टेब्लिश कर पाया, और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साल बाद भी अगर यूएसए का हम देखेंगे कि अगर हार हो रही है, नहीं कर पा रही है यूएसए, तो हम एक साल बाद का ये जो एक साल बाद फिर बनाएंगे तो उसको लेके भी हम कहेंगे कि यूएसए कहाँ पहुंचा। लेकिन अब अभी जो हाल फिलहाल का क्रिकेट है उसमें आने वाले क्रिकेट में बहुत अच्छे अच्छे देशों के खिलाफ यूएसए खेलता हुआ नजर आएगा, और वहां पे एक मैच या एक दुक्का मैच अगर वो जीत भी गए तो आप सोचिए यूएसए क्रिकेट तो फिर आसमान पे ही जाए। बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी की एसोसिएट टीम्स में अगर सबसे नजर इस वक्त किसी टीम पे है तो वो यूएसए क्रिकेट पे है, ये गौर की बात करिएगा, ना स्कॉटलैंड पे है ना नामीबिया पे है, किसी का कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो नजर जो उनकी आईसीसी की वो यूएसए क्रिकेट पे है। क्यों? वहां पे मार्केट काफी स्ट्रांग है कमर्शियली, और हमने पहले ही आपसे कहा था क्रिकेट की स्पेलिंग अब का चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, और यूएसए के लिए क्या है कि कई सारे ऐसे दूसरे ओरिजिन के प्लेयर, दूसरे देश के प्लेयर हैं वो भी इंक्लूड होते हुए नजर आ सकते हैं इस एक साल के साइकिल में, तो और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई टीम नजर आएगी अगर वो लोग सिटीजनशिप लेकर इस टीम में जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएसए की काफी स्ट्रांग टीम बन जाएगी। चलिए पांचवें नंबर पर बात हो गई, दोनों को हमने साथ रखा है, यूएसए को थोड़ा हमने एज दिया है। चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आपने किसने रखा है? पहले दोनों टीमों का नाम जान लेते हैं, चौथे पे कौन है? बिल्कुल, चौथे पे ओमान टीम है। जी हाँ, ओमान का नंबर यहाँ आता है, और साथ साथ ओमान का परफॉर्मेंस अभी अगर बात करें, रैंकिंग की बात करें तो 17वें नंबर पे है, 39 मैचेस खेले हैं जिसमें 17 जीते हैं, 21 हारे हैं, लेकिन T20 में कहीं ना कहीं ओमान बेहतर टीम नहीं है, चौथे में जरूर है, बाकियों से जरूर बेहतर है, यानी कि UAE, PNG, USA से वगैरह से तो बेहतर ही है, नेदरलैंड से बेहतर है, फिलहाल नेदरलैंड से बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही बात है, तो कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है, ग्लोबल क्वालिफायर्स में भी वो लगातार खेल रही है, सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड कप लगातार, दो वर्ल्ड कप, बिल्कुल सही, जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप खेल रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलिए T20 में अच्छा कर रही है, लेकिन वहां जाते ही जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, जो आउटकम निकल के आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो रहा है, प्लेयर्स के अंदर परफॉर्मर ज्यादा नहीं है टीम के पास। जी हाँ, जब भी बड़ा स्टेज आता है तो हमें क्लियर नजर आता है कि दो तीन प्लेयर्स के ऊपर ही मैच टिक जाता है। अब वनडे में हमें जो देखने को मिलता है कि वनडे में उनके जो प्लेयर्स है वो काफी इंटेंट दिखाते हैं, रन स्कोर करते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में उस तरह का डिस्ट्रक्टिव प्लेयर जितेंद्र सिंह के अलावा जरिए आकिब इलियास और जिसान मकसूद, यही तीन नाम हम वनडे में भी लेते हैं और यही तीन नाम T20 में लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होने वाला, काम नहीं बनने वाला। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बार ग्लोबल क्वालिफायर्स खेलना है, वहां पर आपको अच्छी अच्छी टीम्स इस बार वहां पर कुछ टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी हैं, उसके बाद फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर सामने वर्ल्ड कप भी है। सिर्फ क्वालिफाई करना ही काफी नहीं होगा, आपको परफॉर्म भी करके दिखाना होगा, प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिपीटेटिव प्लेयर्स हो रहे हैं, T20 में भी इतना खास परफॉर्मेंस ओमान का निकल के नहीं आता। बिल्कुल, देखिए इससे आपका मार्केट ही अच्छा होगा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, आप बार बार आईसीसी का टूर्नामेंट खेलेंगे तो लोग, अब बहुत अच्छी बात है आप खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बात है, लेकिन इससे ये साफ हो जाएगा कि आप
जा तो जरूर रहे लेकिन आपके पास प्लेयर्स का कोई परफॉर्मर नहीं है, प्लेयर्स आपके पास नहीं है, तो फिर टीम कैसे आगे बढ़ेगी, आगे कैसे परफॉर्म करेगी। जी हाँ, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट घटता चला जाएगा यार पब्लिक का, कि भले आप पहुंच रहे हैं वहां पर क्रिकेट आपका बढ़ेगा, लोग देखेंगे आ रहे लोग। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप ऐसी तरह हारते रहे तो फिर कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा, फिर आपको ऑडियंस ढूंढने में मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आप जीत के नहीं दिखाएंगे, अगर आप मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप टीम को डिसअपॉइंट करेंगे और फिर लोगों के मुंह से ये निकलेगा, अरे इनका मैच है क्या, बोरिंग मैच होगा यार, इनका स्किप करते हैं, स्किप करते हैं मतलब ये बहुत बड़ी हार है, जिस टीम का मैच स्किप कर दिया जाए रिमोट होते हुए वर्ल्ड कप के सामने टीवी चल रहा हो, तो ये उससे बड़ा डिसअपॉइंट कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात यहाँ पे और है कि यहाँ पे अब ओमान के पास अब काफी ज्यादा फाइनेंस भी है। जी हाँ, फाइनेंस में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ओमान को ये करना, अब ओमान को भी अपना एक जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई रखना चाहिए, कि आईसीसी यहाँ पे भी अब करा चुका है वर्ल्ड कप, उनकी नजर यहाँ आ गई है, तो अब ओमान को थोड़ा स्टैंडर्ड अप करना चाहिए और अब अपनी टीमों को विजिट कराना, किसी विजिटिंग टीम को अपने यहाँ बुलाना चाहिए, बड़ी बड़ी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इसी के साथ साथ आपका जिम्बाब्वे हुआ, इस तरह की अफगानिस्तान हुआ, तो आपको तो यूएसए से भी ज्यादा स्टैंडर्ड अप करना है, क्योंकि आपके यहाँ तो आईसीसी का इतना बड़ा कप और बीसीसीआई जैसों का नजर भी पड़ चुकी है। बिल्कुल, तो काफी उम्मीद है ओमान से आने वाले एक साइकिल में, लेकिन नजरें काफी बिल्कुल ऑन ऑफ मोड है, लेकिन बाकी टीमों से बेहतर है, इसलिए ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर आते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं शायद ओमान। जी हाँ, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आती है स्कॉटलैंड की टीम। जी हाँ, कोई दोराय नहीं है इसमें, स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है T20 में, उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया, वर्ल्ड कप में उन्होंने बांग्लादेश को हराया। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ उनका अभी भी 100% स्ट्रिक चल रिकॉर्ड चल रहा है। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वो तीनों मैच अपने ग्रुप में जीते, उन्होंने ओमान को हराया, उन्होंने PNG को हराया, और सबसे बड़ी जीत जो उनको मिली वो थी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं सुपर 12 में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही लो ग्राफ था, नामीबिया के भी मुकाबले काफी डिसअपॉइंट उन्होंने इस टीम ने किया है, इस हाल फिलहाल T20 वर्ल्ड कप में बहुत निराशा हुई थी स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस को देख के। ये नहीं कि वो मैच हारे, क्योंकि हमें पहले से पता था सुपर 12 में कोई भी अच्छी टीमें टेस्ट नेशन को हरा नहीं पाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें हैरान भी नहीं थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, स्कोर तक नहीं कर पा रहे थे, और एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम छोड़ दें स्कॉटलैंड का, उसके अलावा स्कॉटलैंड की टीम ने बैट से भी परफॉर्म नहीं किया, क्या डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इन्हें तीन पे क्यों रखा है। बिल्कुल, देखिए अब तीन पे रखने की वजह भी है, क्योंकि अब आपके पास देखिए किसी के पास प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके पास तो प्लेयर है, आपके पास प्लेयर है, आप काउंटी भी इंग्लैंड स्कॉटलैंड को हमने यहाँ पे इसलिए रखा है, कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड का जो क्रिकेट है, जो वहाँ के जो डोमेस्टिक भी है, वहाँ के जो क्रिकेट जो काफी क्वालिटी उनको मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है कि और वो इंग्लैंड का कोई T20 लीग भी होता है जो विटालिटी ब्लास्ट, जी हाँ वो भी खेलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, विटालिटी ब्लास्ट मन से भी खेल चुके हैं वहाँ पे, तो ये सब और माफ कीजिएगा मार्क वार्ड भी खेल चुके हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी क्रिकेट है, क्वालिटी क्रिकेट बहुत कम देशों में है अगर मैं बात करूं तो, उसमें स्कॉटलैंड जरूर आता है कि क्वालिटी डोमेस्टिक वहाँ होता है, डोमेस्टिक को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है वहाँ पे, पर आपके पास प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आती है कि परफॉर्मर आपको मैच जीतना अब स्टार्ट करना होगा, आप अब ये मुझे नहीं लगता कि स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड जैसी टीमों को ये रोना चाहिए कि अभी हम कर रहे हैं अच्छा करेंगे लड़ रहे हैं, ये सब डायलॉग सब खत्म करने होंगे। बिल्कुल, आपके पास बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर हो गए, अब ये सब मजाक अच्छा नहीं लगता, ये सब की आपके पास मनसे हैं, क्वालिटजन हैं, बैरिंगटन, अब जॉर्ज डेवी भी बहुत क्रिस ग्रीव्स आए हैं, काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, पुराने पुराने प्लेयर हैं, तो अब आपको विनिंग वे में आना होगा। जिस तरीके का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दिखा राउंड सुपर 12 में, वो तो बहुत ही खराब था, आप तो स्कोर भी नहीं खड़ा कर पा रहे थे बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, तो ये बहुत बड़ा एक इसीलिए कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से रिबिल्ड करने की जरूरत है इस टीम को, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रही है स्कॉटलैंड भी आने वाले टाइमों में, और एक साल में आपको ये टीम इस स्पीड से यानी थर्ड नंबर पर बेहतर करती हुई सबसे ज्यादा नजर आएगी, और सबसे ज्यादा उम्मीद अगले साइकिल में जिस टीम से होगी वो है थर्ड नंबर पर स्कॉटलैंड। दूसरे नंबर पर आयान यहाँ पे हमने किसे रखा है और क्यों, कोई डाउट नहीं है, अब यहाँ पे बची हैं दो टीमें, नामीबिया और नेपाल, दूसरे नंबर पर हमने किसे रखा है। बिल्कुल, दूसरे नंबर पे यहाँ पे नामीबिया है। जी हाँ, कहने को तो बिल्कुल यहाँ नामीबिया के लिए तो बहुत कुछ है कि उनकी तारीफ करने को, पहला ही वर्ल्ड कप, पहले ही क्वालिफायर, पहले ही सब कुछ, जानता हूँ क्वालिफायर वो
जिम्बाब्वे का कुछ इशू हुआ था, लेकिन उस नसीब है कि आप आए, आपको क्वालिफाई मिला, उसके बाद कोई बात नहीं, क्रिकेट का हिस्सा होता है। बिल्कुल सही, और इसी के बाद आप लक रहा, आपने लक का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि आप सीधा सुपर 12 में, और आपने परफॉर्म करके दिखाया कि वो लक नहीं था, हम खेलते तो हम ही आते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है जिस तरीके से डेविड वीजा, मैं कहूंगा कि डेविड वीजा का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ रहा है कि वो इस टीम से जुड़े, इस टीम के साथ वो आए, और साथ साथ में कोचिंग स्टाफ भी इस टीम का बहुत, पीटर डी ब्रून थे, एल्वी मार्कल थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है इस टीम में। पहले ही दौर में आपने इस तरीके का पार किया, तो दूसरे दौर में तो हमें उम्मीद है अगले साल कि कम से कम कुछ बड़े सेटबैक नामीबिया करें। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस टीम से, इसीलिए ये सेकंड नंबर पे है पूरे एसोसिएट टीम्स में। अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस टीम में पेसर्स बहुत शानदार है, पेस बैटिंग भी जबरदस्त ना, इंप्रेस किया है इन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में भी, और उससे पहले जो समर T20 बैच हुआ था वहां पर भी कहीं ना कहीं नामीबिया की तरफ से जो अभ्यास मैच खेले गए थे PNG वगैरह के खिलाफ, काफी शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी नामीबिया की तरफ से, और इसीलिए इस टीम से बहुत उम्मीद है। जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है सुपर 12 में, स्कॉटलैंड को हराया, इंडिया के खिलाफ ये ऑल आउट नहीं हुए, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात थी। 137 रन का स्कोर लगाया था इन्होंने इंडिया के खिलाफ, तो काफी अच्छी इनकी बैटिंग रही है और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है T20 वर्ल्ड कप में भी, और उसके बाद सुपर 12 में भी, इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें बन जाती हैं इस टीम से। काफी अच्छे की प्लेयर्स हैं इनके पास, जब इस वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा किया है जबकि उनका पहला वर्ल्ड कप था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्यों इस टीम से एक्सपेक्टेशन ना हो कि आने वाले टाइम में यानी अगले वर्ल्ड कप में धमाका कर। और नामीबिया ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है T20, अगर मैं नामीबिया क्रिकेट की मैं बात करूं तो सिर्फ 30 मैचेस खेले हैं जिसमें 21 जीते हैं, 9 में उन्हें हार मिली, और 30 में हम जानते हैं किन देशों के खिलाफ, बिल्कुल ज्यादातर अफ्रीकन रीजन के टीम से उनके खिलाफ खेले गए। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से उनका परफॉर्म रहा है बिना ज्यादा बड़े देशों के खिलाफ खेले, जो हम शायद नहीं मानते हैं सही कि ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उन्हें ये भी नहीं मिला है, उसके बावजूद सुपर 12 में जिस तरीके के बॉलर्स, फील्डर्स, बैट्समैन देखने को मिले हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा क्रिकेट होगा, अगले साल वर्ल्ड कप में जरूर अच्छा करेगी। बिल्कुल, एसोसिएट टीम्स में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीद किसी टीम से है अगले एक साल के साइकिल में, वो होगी नेपाल की टीम, इसमें कोई दोराय नहीं है। हम आपको कई सारे ऐसे फैक्ट्स और एग्जांपल्स देंगे, प्रूफ देंगे कि क्यों इस टीम से सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्यों ये टीम बाकियों के मुकाबले बहुत शानदार कर सकती है ग्लोबल क्वालिफायर्स में और आने वाले इस एक ईयर के साइकिल में यानी अगले T20 वर्ल्ड कप तक। बहुत उम्मीदें इस टीम से हैं, और उम्मीदों में और एक्सपेक्टेशंस में और प्रॉमिसिंग लगने में ये टीम एसोसिएट्स में इस वक्त T20 क्रिकेट में नंबर 1 पे है, और सबसे ज्यादा उम्मीदें ये हम डेली क्रिकेट के हिसाब से, याद रखिएगा हम पूरी दुनिया का नहीं बता रहे, हमें जो हमने आकलन किया है, जो किया है उसके हिसाब से नंबर 1 पे नेपाल की टीम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात उठती है, या इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएट टीम्स में जाहिर सी बात है T20 में वो नंबर 1 टीम है, एसोसिएट्स में नंबर 1 टीम है, शायद 12 की रैंकिंग है उनकी T20 क्रिकेट में ओवरऑल की अगर हम बात करें, जो सबसे बेस्ट है एसोसिएट टीम्स में। वहीं पर इस टीम से हमें क्यों एक्सपेक्टेशंस हैं इतनी ज्यादा, इसके पीछे तीन बड़ी वजह है, एक वजह शुरुआत आप करें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ कहूंगा कि जो जिस तरीके की ओपनिंग यहाँ पे रही है, सबसे पहले मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि ओपनर जिस तरीके के अब शायद नेपाल को मिले हैं शायद उससे पहले नहीं थे, मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ, शायद बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जहां तक है अंदाजा है कि इस तरीके के ओपनर, इतने अटैकिंग ओपनर जो आजकल का क्रिकेट हो चला है, आजकल भले आप दो बॉलों पे आउट हो जाए एक मैच में, लेकिन आपका अग्रेशन नहीं छोड़ता है, ये लड़के ऐसे हैं कि तीन मैच में से दो में चलेंगे, एक में फ्लॉप होंगे, इस तरीके के प्लेयर है, क्योंकि इनके पास शॉर्ट सिलेक्शन भी बहुत अच्छे हैं, अंधाधुन अलग होता है, वो नीचे आने वाले प्लेयर दिखते हैं, ये अंधाधुन नहीं है, ये शॉर्ट सिलेक्शन के साथ अच्छी टाइमिंग के साथ रन मारते हैं, स्ट्राइक रेट को ध्यान में रख के रन मारते हैं, तो आप मॉडर्न क्रिकेट के ओपनर्स ऐसे होने चाहिए जो इनके पास है, जो बहुत ही रेयर एसोसिएट टीमों में देखने को मिलता है। जी हाँ, एक आपको अच्छा मिलेगा या फिर अच्छा मिलेगा, लेकिन दोनों प्लेयर इतने शानदार देखने को मिलेगा, इतने एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है, जो उन्होंने लास्ट सीरीज अपनी दिखाई थी नेदरलैंड्स और मलेशिया के खिलाफ, शुक्र है कि उस मापे नेदरलैंड्स थी और नेदरलैंड्स के खिलाफ भी इनका बल्ला काफी जोरों शोरों से बोला है।
यहाँ पर अगर बात करें ओपनर्स की तो आपने बात कर दी, लेकिन सबसे बड़ी जो इस टीम की यूएसपी है वो है कहीं ना कहीं इनका अग्रेसिवनेस टी20 क्रिकेट में, जो हमें देखने को मिला है हाल फिलहाल में। काफी बदलाव हमें इस टीम में देखने को मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टीम की जो किसी भी टीम के एसोसिएट के पास नहीं है, जी हाँ, आज भी चाहे नामीबिया हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, या फिर आप किसी भी टीम को ले लें, किसी के पास भी, हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस में भी ये बात की थी, किसी भी टीम के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है जो नेपाल के पास है, और वो है इनका लोअर पावर हिटिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे नाम इस पे आप, तीन बड़े बड़े एक साथ किसी भी अच्छी टीम में नहीं है, नीचे आके इस तरह से डिस्ट्रक्टिव नहीं खेलने वाले। बिल्कुल, ये टेस्ट नेशंस में भी कई देशों के पास ऐसे नहीं है। मैं अगर बात करूं बांग्लादेश के पास भी इस नीचे इतने, लास्ट में महमूदुल्लाह आते हैं, उसके बाद नीचे ऐसे नहीं है कि तीनों एकदम एक तरीके से कोई ऐसा हो, मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, राशिद खान एक हिटर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक है लेकिन फिर दो कमर, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप देखेंगे आप पाएंगे तो नहीं, बड़ी बड़ी टीमों के पास भी इतने नहीं, ऊपर ही आ जाते हैं ज्यादातर टीमों के पास, तो एसोसिएट के पास तो फिर और ज्यादा इसका मैं कहूंगा खाली पर अभाव है। लेकिन जो नेपाल ने जो भरा है इसकी तारीफ करनी होगी, पहले सिर्फ करण केसी हुआ करते थे, फिर सोमपाल कामी ज्वाइंट हुए, उसके बाद अब तो कुशल मल्ला आ गए, अब एक और उसमें इंक्लूजन हुआ है वो है गुलशन झा का, उनको देखना होगा ऑब्वियसली, अभी मैं बहुत नए हैं नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो रन मारते हैं, उनको आर बैटिंग आती है कैसे करना है, लेकिन ये लोअर पावर हिटिंग टी20 क्रिकेट के आज के मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, और ये आपको क्लियर नजर आएगा जब आप ग्लोबल क्वालिफायर देखेंगे। जी हाँ, अगर आप में से किसी ने नेपाल की लास्ट सीरीज नहीं देखी थी, जाहिर सी बात उसमें काफी धमाका ऊपर के बैट्समैन ने किया था, अब आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल क्वालिफायर्स में ये जो लोअर ऑर्डर है ये कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। हम ये बार बार अपनी वीडियोज में कहते हैं कि जो लोअर ऑर्डर है नेपाल का वो काफी शानदार है टी20 क्रिकेट के हिसाब से, ये याद रखिएगा टी20 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी यूएसपी जो रहने वाली है ग्लोबल क्वालिफायर्स में और ये अगले एक साल के साइकिल में, क्योंकि अगले एक साल साइकिल मतलब अच्छी टीम्स के लिए ये है कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेले, इसमें कोई दोहराए नहीं है, तो इसलिए ग्लोबल क्वालिफायर्स की बात यहां ज्यादा से ज्यादा होगी। ग्लोबल क्वालिफायर्स में आया, क्या नहीं लगता आपको नेपाल की सबसे बड़ी यूएसपी जो बहुत टीमों में मिसिंग है सबके पास, लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 है नेपाल के मुकाबले, वो है संदीप लामिछाने और स्पिन डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए एक्सपीरियंस उनके पास नहीं, 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 इससे तो सब घर बैठे हैं, दूसरी टीमों के बॉलर सब घर बैठे हैं, वो बिग बैश खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये तो खैर ये तो मतलब नरेंद्र कॉफिन जिसे कहते हैं वो ये चीज है। संदीप लामिछाने तो नेपाल की टीम में है, वो तो बड़ी बड़ी टीमों उन्हें हायर कर सकती है, इसमें मैं खाली ऐसे कह रहा हूँ, बिल्कुल एक आइडिया है, लेकिन संदीप लामिछाने जैसे बॉलर अपने साथ वो स्पिनर्स के साथ जो शेयर करते हैं आइडियाज अपने, कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, क्या फील्ड प्लेसमेंट लेना है, दूसरे स्पिनर उनसे कहते हैं कि आप जरा फील्डिंग देखिए हमारी बॉलिंग में कहाँ कहाँ लगनी चाहिए। हाँ, ये हमने राउंड सिक्स में देखा था जब संदीप लामिछाने खेल रहे थे, ओडीआई था लेकिन फिर भी बिल्कुल सही। तो कुशल मल्ला हुए, सुशांत भारी हुए, साहब आलम भी अच्छा खासा स्पिन करा लेते हैं ठीक ठाक, उनको भी अगर ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो स्पिनर में भी बहुत बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं इनके पास, और संदीप लामिछाने तो प्लस 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 पॉइंट है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा ग्लोबल क्वालिफायर आने से पहले संदीप लामिछाने यहाँ बिग बैश खेल रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होना है, और वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में ही होना है, तो संदीप लामिछाने और नेपाल के लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और एक और चीज इसमें सबसे बड़ी इंक्लूड करने वाली है कि जो क्वालिफायर्स है वो ओमान और जिम्बाब्वे में होने हैं, जहां पर पेसर्स के लिए इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां पर आप स्पिन फ्रेंडली भी होती है विकेट, आप ओमान में विकेट ले सकते हैं। संदीप लामिछाने ने काफी अच्छा उनका वर्ल्ड क्रिकेट लीग के जो राउंड है वो भी गए हैं ओमान और जिम्बाब्वे में होने, और जहां तक चांसेस है कि नेपाल के जो ग्लोबल मैचेस होंगे वो ओमान में ही होने हैं, क्योंकि जिस तरह से चीजें ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ रही है वो एशियन रीजन के जो टीम्स उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कि वो एशियन रीजन्स में ही रहे, यानी ओमान के और सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है, तो कई जगह संदीप लामिछाने बहुत यूएसपी हो सकते हैं, सुशांत भारी हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे ही कोई 10-15 मैचों में इतने विकेट नहीं ले लेता, काफी अच्छा एक यूएसपी नेपाल के पास है। सारे बॉक्स ठीक है, लेकिन एक बॉक्स जो उनको खींच रहा है कहीं ना कहीं वो है लैक ऑफ मैचेस। फिर से हम उसी चीज पे आ चुके हैं, घूम फिर के आप भी सोचेंगे कितनी बार ये बात हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मैचेस थोड़े से ज्यादा कराए जाए क्वालिफायर से पहले तो डेफिनेटली, अब ये भी देखिए इसी वजह से टीम नंबर 1 पे है, मैचेस कब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस टीम से काफी उम्मीद है, ये टीम के सारे बॉक्स टिक हैं, तो नजर आखिर सबसे ज्यादा इन्हीं पे है ना, इसीलिए इस टीम को नंबर 1 पे हमने रखा है कि अगले एक ईयर के साइकिल में इस टीम पे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है एसोसिएट टीम्स में टी20 क्रिकेट में, ये जरूर याद रखिएगा।
वन डे में ये टीम हमारी नजर में चौथे पे थी, लेकिन टी20 में ये हमने पहले से सोचा हुआ था कि ये टीम डेफिनेटली हमारे डेल ग्रेड के हिसाब से नंबर वन पे रहने वाली है, क्योंकि इनसे उम्मीद काफी ज्यादा है। नामीबिया से भी काफी उम्मीदें हैं, दोनों 19-20 का फर्क है, लेकिन जो नामीबिया के मुकाबले नेपाल के ज्यादा बॉक्स टिक है ग्लोबल क्वालिफायर्स को लेते हुए और आने वाले टाइम को लेते हुए। एट द एंड क्या कहेंगे आराम, उसके बाद हम इसको खत्म करें। बिल्कुल सही, जो हमने रैंक रखी है उन टीमों से इतनी ही एक्सपेक्टेशन है। यूएसए को देखना होगा आगे क्रिकेट कैसा खेलती है यूएसए, ओमान को अपनी टीम को अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना होगा, अब थोड़ी विजिटिंग टीम को अब लाना होगा, इनवाइट करना होगा अपने यहाँ पे, स्कॉटलैंड को थोड़ा क्रिकेट अप करना होगा, पुराने काफी और बहाने छोड़ने होंगे स्कॉटलैंड को, क्योंकि काफी अच्छी टीम हो गई है। अब थोड़ा सा आपको जीतना शुरू करना होगा, अब सीनियर हैं आप अपने ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जीतिए, बड़ी बड़ी टीमों को थोड़ा सेटबैक करिए। नामीबिया के लिए अभी नहीं, नामीबिया के लिए बहुत अच्छा है, बहुत उम्मीदें हैं, एंजॉय करिए इस मोमेंट को और अभी खेलिए आराम से। नेपाल के लिए तो यही है जो आपने कहा, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हाई है, बस ज्यादा से ज्यादा मैच करवाइए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा मैच करवाइए और कुछ नहीं। बिल्कुल, आप एक बार मैच का कंसिस्टेंसी से करा के देखिए, ये टीम बहुत तगड़ा कर सकती है टी20 क्रिकेट में अगर हम बात करें। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय रखिए कमेंट पे, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है टी20 क्रिकेट में आज के टीम्स में किस टीमों से है अगले एक ईयर के साइकिल में, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो भी बात हो रही है वो अगले एक ईयर के साइकिल की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म में और भी टीमें आएंगी इसमें इंक्लूड होंगी, लेकिन अभी एक साल है, इसमें डेली क्रिकेट के साथ सबसे ज्यादा उम्मीद है इन टीमों से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ट्विटर पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे हम क्रिकेट स्कोर लाइव अपडेट्स सारी न्यूज वहां पर लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं सारे दिन सारी रात तो नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक जरूर।